गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर गोरखपुर के सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी की बैठक गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर अनिल कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर ने उपस्थित अधिकारियों को जिले के असामाजिक तत्वों पर सतर्क निगाह रखने, अवैध अस्त्र शस्त्र और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव पूरे क्षेत्र के लिए संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के एसडीएम तथा थाना अध्यक्षों की बैठक कराकर आवश्यक व्यवस्था कराएं। इस बैठक में लिए गए निर्णय तथा मतदान के दिन संपादित की जाने वाली कार्यवाही की सूचना गोरखपुर को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आने जाने वाले सभी रास्ते पर मतदान के दिन बैरियर लगाए जाएं, अवैध शस्त्र और मादक पदार्थों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन भी आपसी संवाद बनाए रखें, बैरियर क्रियाशील रखें तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करें। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि सभी जिले निर्वाचन की व्यवस्था की सूचनाओं के आदान प्रदान एवं क्रियान्वयन के लिए प्रशासन एवं पुलिस की ओर से नोडल अधिकारी तैनात कर गोरखपुर को सूचित कर दें। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि असलहा जमा कराने में सहयोग करें तथा सीमावर्ती क्षेत्र के गाँव के चौकीदारों की बैठक भी करा लें। बैठक में जिलाधिकारी महराजगंज वीरेंद्र कुमार सिंह, देवरिया के सुजीत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गढ़ सीडीओ अनुज सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभुनाथ, रजनीश चंद्र, विधान जायसवाल, सभी उप जिलाधिकारी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 13 फरवरी को आरोप के रूप में हमारे द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। ये प्रक्रिया 20 तारीख तक चलेगी, यानी 20 तारीख नॉमिनेशंस का अंतिम दिन है। उसके बाद 21 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी और 23 तारीख को नाम वापसी का दिन है और उसी दिन 3 बजे से अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स की कार्रवाई होगी। अलॉटमेंट की ऑफ सिंबल्स की कार्रवाई होने के साथ ही आप सभी अवगत हैं कि चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से शुरू हो जाता है और चूंकि हमारे यहाँ मतदान 11 मार्च को होना है, इसलिए 9 मार्च की 5:30 बजे तक चुनाव प्रचार चलने वाला है। 11 को चुनाव होगा और उसके 3 दिन बाद 14 मार्च को मतगणना की कार्रवाई होगी। पूरे देश में संसदीय क्षेत्रों के ये 3 ही उपनिर्वाचन इस समय हो रहे हैं, जिसमें 1 बिहार में है और 2 उत्तर प्रदेश में है। चूंकि ये बहुत कम संख्या में है और तो जो स्थिति सामान्य निर्वाचन में होती है, जिसमें पार्टियों का, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ध्यान भी बटा रहता है और भारत निर्वाचन आयोग को भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी होती है। लेकिन जब बहुत ही सीमित संख्या में चुनाव होते हैं तो हर तरह का फोकस इलेक्शन कमीशन का भी पूरी प्रक्रियाओं को शुद्धता से करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपने प्रचार के लिए वो फोकस इन क्षेत्रों में लग जाता है। जो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र है, इसकी सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संवेदनशील है और अभी से भारत निर्वाचन आयोग की और हर प्रकार के मीडिया की नजरें यहाँ पर बहुत सघनता से लगी हुई है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हमारे जनपद के जो निकटवर्ती जनपद हैं, जिनकी सीमाएं मिलती हैं, हम लोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं, उसमें आपका सहयोग इस दृष्टि से बहुत आवश्यक है। चेकिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं, उसमें आपके जनपदों के जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनकी आपसी बातचीत हो, आपसी समन्वय हो और इस समन्वय के द्वारा हम लोग निर्वाचन की सारी प्रक्रियाओं को सुचितापूर्वक और निर्विघ्न और सुव्यवस्थित संपन्न कराएं। इसके लिए जो हमारे उस क्षेत्र के अधिकारी होंगे
और आपका निर्देश होने के बाद आपके अधिकारी भी होंगे, वो आपस में समन्वय करेंगे। और विशेष रूप से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मोटर वाहन ये आपके जनपदों से हमारे जनपद में आएंगे, जिसमें मतदान होगा उसमें एक समय सीमा निर्धारित करके हम लोग बॉर्डर को सील करेंगे, लेकिन उससे पूर्व जो पूरा प्रचार का समय है और जो समय अभी चल रहा है उसमें भी हम लोगों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ रुपये 50,000 से ऊपर की धनराशि लेकर ना चले, और लेकर चले तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स हों, सपोर्टिंग पेपर्स हों। और इसके अलावा असलाह लेकर लोग चाहे लाइसेंसी हो चाहे गैर लाइसेंसी हो गाड़ियों में चलते हैं उसको भी प्रतिबंध है, तो उसमें भी आपका सहयोग चाहिएगा। इसके अलावा जो चुनाव प्रचार की सामग्री है वो भी इन गाड़ियों में जाती है, अपने पूरे जनपद में जो भी गाड़ियां प्रचार के लिए संचालित होंगी और ये परमिट उनको अनिवार्य रूप से अपने विंडो स्क्रीन पर बहुत प्रमुखता से लगाना होगा। यदि ऐसा परमिट नहीं होगा तो वाहन जब्त किया जाएगा और उसको चुनाव के बाद ही छोड़ा जाएगा। ये व्यवस्था निर्वाचन आयोग के निर्देशों में है। इसके अलावा जब कैंडिडेट्स हमारे निर्धारित हो जाएंगे तो कैंडिडेट्स को और उनके इलेक्शन एजेंट को और उनके एक प्रतिनिधि को वाहन में अपने पूरे चुनाव क्षेत्र में घूमने की अनुमति उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर दिए गए परमिट के अनुसार होगी और वो उसी के अनुरूप घूमेंगे, उसमें शर्तें निहित होंगी, कितने लोग बैठेंगे, वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सड़क पर चलने के लायक हो, उसमें किसी प्रकार की वो अवांछित चीज़ें जो शर्तों के अंतर्गत नहीं है नहीं ले जाएंगे, उसमें केवल उसमें लिखा है कि एक ही झंडा लगाएंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग करेंगे प्लान करेंगे। इसलिए उसके लिए हम लोग उसकी व्यवस्था देखेंगे। और यदि वो मोटर मार्ग से आ रहे हैं तो जो स्टेट लेवल के लोग हैं उनको जो परमिट देने की व्यवस्था है वाहन को चलाने के लिए उसका इंतजाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से होता है। और यहाँ जनपद में जब आएंगे तो शर्तों रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत जैसा कि आप सभी विज्ञ हैं कि किसी भी वाहनों का जो कन्वॉय होगा वो किसी भी प्रकार में किसी के भी आगमन पर अनुमति प्राप्त 10 वाहनों से अधिक का नहीं होगा। कॉन्वॉय शुड नॉट बी मोर देन 10 व्हीकल्स, ये स्पष्ट रूप से इंगित है। और ये हम लोग को सुनिश्चित कराना है जब वो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए एरिया में आएंगे यानी हमारे जिले में आएंगे तो आपके सहयोग से हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस कॉन्वॉय के सिस्टम की हम लोग पालना करा लें। सभाएं आपके नहीं होंगी, सभाएं संसदीय क्षेत्र में ही होंगी जिसमें निर्वाचन हो रहा है, उसकी व्यवस्था हमने बना ली है। और आप लोग जो अभी 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी गोरखपुर की और इलाहाबाद की, उसमें जो विचार विमर्श हुआ था उससे बात निकल के आई थी कि हमारे जनपद से जो सटे हुए जनपद हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं क्योंकि कहीं पर भी चुनाव नहीं है, पूरा सामान्य जीवन है, वहाँ के लोगों को बहुत इम्पैक्ट भी नहीं है, तो इसलिए उस निकटवर्ती एरियाज के ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करने के लिए वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक कर ली जाए, आप उसको देख कर उसके अनुवर्ती आदेश अपने अधीनस्थों को दे देंगे तो इस कार्य में हम लोगों को सहायता मिलेगी। पुलिस की कुछ व्यवस्थाएं जो होनी है और जिस प्रकार से बैरियर्स लगेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उन पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। और का है
और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सकुशल कराएं, निष्पक्ष रूप से कराएं और निर्भय मतदान यहाँ हो। लेकिन जो आसपास के जनपद हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं या जो मेजर कारण हो सकते हैं, क्योंकि अपराध के लिए और चुनावी दबंगई के लिए राजनीतिक सीमाएं उस हद तक जिम्मेवार नहीं होती जितना उस इलाके का माहौल जिम्मेवार होता है। बेशक बस्ती से हमारी सीमा नहीं लगती, लेकिन बस्ती जेल में हमारे बड़े लोग हैं। तो बस्ती जेल का असर गोरखपुर पर भी पड़ता है। हम लोग का भी डाउट था कमिश्नर साहब, हम लोग बस्ती को के बोला, अब मेरा हम लोग का डाउट क्लियरिफाई हुआ। तो ऐसे तमाम जगह हैं और जहाँ से कि यहाँ के क्राइम पे, यहाँ के लोगों पे या यहाँ के राजनीतिक वर्चस्व पे असर पड़ता है और हमें उस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। फिजिकल बैरियर्स हमारे कुल 27 बैरियर्स हैं जो अलग अलग सीमाओं पे हैं, उसकी डिटेल दे देंगे। हमारे पास फिलहाल जो है वो 12 ऑपरेशनल हैं और पूर्ण 27 हैं और 12 हमारे पास ऑपरेशनल हैं अलग अलग थानों में। चूँकि ये चुनाव जो है इसमें हमारे जनपद में भी सभी हिस्सों में चुनाव नहीं हो रहा है, बावजूद इसके पूरे जनपद पे आचार संहिता लगी हुई, तो ये बैरियर हमने हर जगह लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि केवल चुने हुए बिंदुओं पर ही लगा रखा है कि ये थाने में चुनाव नहीं है तो हमने उसको नहीं लगाया है, वहाँ भी लगा हुआ है। और इसीलिए ये जो बॉर्डर की मूवमेंट है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हथियारों के हमारे यहाँ तो जमा हो रहा है, लेकिन जो बॉर्डर के जनपद है नजोनी वहाँ जमा नहीं हो रहा होगा। अब नई बाज़ार और गौरी बाज़ार में बहुत फ़र्क नहीं है, यह चौरी चौरा और गौरी बाज़ार हमारे लिए कोई अलग अलग पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री भले ही हो, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व के लिए या वहाँ से खुराफात करने के लिए आने वाली टीमों के लिए कोई अलग बाउंड्री नहीं है। तो ये हमारे बिंदु हैं। इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग से हमें जो फ़ायदा होगा वो ये, हम चाहते हैं, हमारी जो अनुरोध है हमारा आप सबसे वो यही है कि जो आसपास के इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं और विशेष रूप से उन इलाकों से कि जहां से हमारा अपराधियों का भी लेना देना है, जैसे बड़हलगंज का क्षेत्र है देवरिया को लेकर के, या पिपराइज का क्षेत्र है कुशीनगर को लेकर के, कबीर नगर तो मतलब हम लोग सगे भाई ही हैं, तो इस तरह के तमाम क्षेत्र हैं। इनफैक्ट अंबेडकर नगर, और अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अंबेडकर नगर और कबीर नगर और जो हमारा बेलघाट का क्षेत्र है इसमें व्यापक गतिविधियां होती हैं इस तरह की, जिससे कि हम पर असर पड़ता है। तो ये इन क्षेत्रों में अगर उतनी ही सख्ती से, जो आचार संहिता भले ही लागू ना हो लेकिन आचार संहिता लागू होने जैसी स्थिति अगर हम पैदा करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर एक निष्पक्ष और निर्भय मतदान कराने में हमें सहूलियत है।